आज आपको स्टीलर सिस्टम जो टर्डोफाइट पाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। स्टीलर सिस्टम जो टर्डोफाइट में होता है उसको सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे वांटिंगहम और डाउलियट, इन्होंने दिया था स्टीलर सिस्टम। सबसे पहले किसने दिया? वांटिंगहम और डाउलियट, ठीक है ना। स्टीलर सिस्टम होता क्या है यार? स्टीलर सिस्टम बना है स्टील से। किससे बना है? स्टील से। स्टील क्या होता है? सेंट्रल कोर होता है स्टेम और रूट का। ये क्या होता है? सेंट्रल कोर होता है, कोर होता है किसका? स्टेम और रूट का। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है स्टीलर सिस्टम। एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलता है, ठीक है। सेंट्रल कोर है स्टील, स्टेम और रूट का, ठीक है। स्टील के अंतर्गत कौन सा पार्ट लेंगे? पेरिसाइकिल। इंडोडर्मिस नहीं लेते हैं, इंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट दिया आता है पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। वैस्कुलर बंडल में जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है ना। स्टील कंसिस्ट होता है किससे? पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज है टीलोम थ्योरी। स्टीलर सिस्टम टर्डोफाइट में देख रहे हैं, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज है टीलोम थ्योरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टीलोम थ्योरी किसने दिया? टीलोम थ्योरी दिए थे जिमरमैन ने, जिमरमैन ने। टीलोम थ्योरी किसने दिया? जिमरमैन ने। टीलोम क्या होता है? टीलोम क्या होता है? यूनिट ऑफ ब्रांचिंग। यूनिट ऑफ ब्रांचिंग को क्या कहते हैं? टीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोम, ठीक है। और टीलोम थ्योरी क्या कहती है? टीलोम थ्योरी ये कहती है जितने भी ब्रांच प्लांट है, जितने भी ब्रांच प्लांट है, इनकी ओरिजिन कहां से हुई है? इनकी ओरिजिन किससे हुई है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग से हुई, ठीक। जितने भी ब्रांच प्लांट है उनकी ओरिजिन कहां से हुई है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग हुई है। और डाइकोटोमस ब्रांचिंग हम बता चुके हैं आपको प्रायोफाइट्स में, ये क्या है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। थैलस में देखिए जो है ये क्या है? डाइकोटोमस दो भागों में विभक्त हुआ है थैलस, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको कि स्टीलर सिस्टम किसने दिया? वांटिंगहम एंड डाउलिट ने। स्टीलर सिस्टम क्या है? ये स्टील वाला पार्ट होता है, जो स्टील का जो पार्ट होता है वही है स्टीलर सिस्टम। स्टील बनाता है सेंट्रल कोर, किसमें? स्टील जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रल कोर है जो स्टेम और रूट दोनों में पाया जाता है। स्टील बना होता है पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ से। फिर आगे देखते हैं टीलोम थ्योरी। ये भी क्वेश्चन पूछा था, टीलोम थ्योरी किसने दिया? जिमरमैन ने दिया। टीलोम क्या होता है? यूनिट ऑफ ब्रांचिंग है। अगला इंपॉर्टेंट है कि जो टीलोम थ्योरी के अनुसार जितने भी ब्रांच प्लांट है इनकी ओरिजिन किससे हुई? डाइकोटोमस ब्रांचिंग से, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ स्टील पे। टाइप ऑफ स्टील, अगर स्टील को देखें, स्टील के प्रकार को देखें तो कई प्रकार का स्टील होता है। प्रोटो स्टील दूसरा होता है, साइफनो स्टील तीसरा होता है, सोलिनो स्टील चौथा होता है, डिक्टियो स्टील पांचवा होता है, पॉली स्टील छठवां है, एटैक्टो स्टील।
और सातवां है यू स्टील, ठीक है। तो स्टीलर सिस्टम किसके लिए दिया गया था, टेरिडोफाइट्स के लिए दिया था गया था, लेकिन इसमें ए टेक्टो स्टील, यू स्टील, ये किसका एंजियोस्पर्म का भी हम यहीं पे एक साथ बता दे रहे हैं। पहला है प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील जो होती है सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव है। प्रोटो स्टील जो होती है सबसे सिंपलेस्ट है और मोर प्रिमिटिव है, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटो स्टील के बारे में कि प्रोटो स्टील में क्या होता है, जाइलम जो है वो सराउंडेड होता है फ्लोएम से, सेंटर वाला पार्ट जाइलम हो गया और बाहर वाला पार्ट फ्लोएम हो गया। तो क्या हो रहा है, जाइलम सराउंडेड फ्लोएम, ऐसे स्टील को क्या कहेंगे, प्रोटो स्टील। और प्रोटो स्टील पाई जाएगी किसमें, लाइकोपोडियम में, सिलेजिल्ला में, लाइकोपोडियम और सिलेजिल्ला में कौन सा स्टील पाया जाएगा, प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील आगे चलकर डिवाइड किया गया कई और स्टील में, प्रोटो स्टील फिर डिवाइड हो जाता है कई स्टील में। पहला आता है हैप्लो स्टील, दूसरा आता है प्लैक्टो स्टील, तीसरा आता है एक्टिनो स्टील, और लास्ट आता है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो सबसे पहले हम आते हैं हैप्लो स्टील, ठीक है। हैप्लो स्टील भी, ये भी सिंपलेस्ट टाइप प्रोटो स्टील है, सबसे ये भी सिंपलेस्ट टाइप प्रोटो स्टील है। इसमें भी क्या होता है, सेंटर में जाइलम होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। ये भी एक तरह का प्रोटो स्टील है, इसमें सेंटर में जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम है, ठीक है। हैप्लो स्टील जो पाया जाता है ये किसमें पाया जाएगा, हैप्लो स्टील पाया जाएगा राइनिया में, पूछता है हैप्लो स्टील किसमें पाया जाएगा, राइनिया में, और किसमें, साइनोटम, राइनिया स्पीसीज में और किसमें, साइनोटम स्पीसीज में क्या पाया जाएगा, हैप्लो स्टील। दूसरा आता है प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो स्टील में क्या होता है, नाम ही बता रहा, प्लेक्टो मतलब प्लेट लाइक। इसमें क्या होगा, जो स्टील हो होगा जिसमें जाइलम जो होगा वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाएगा, जाइलम डिवाइड हो जाएगा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में, और चारों तरफ से सराउंडेड हो जाएगा फ्लोएम से, ऐसे भी, ऐसे भी, ये भी, ये अंदर वाला हो गया जाइलम और बाहर ये हुआ फ्लोएम, ठीक है। प्लेक्टो स्टील में क्या होगा, जाइलम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक जाइलम सराउंडेड हो जाएगा फ्लोएम से। प्लेक्टो स्टील पाया जाता है लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, याद रखिएगा, इसमें स्पीसीज भी पूछ लेता है, प्लेक्टो स्टील लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ठीक है ना। अगला आते हैं एक्टिनो स्टील, एक्टिनो मतलब होता है स्टार लाइक, जब जाइलम स्टार लाइक हो जाए, जाइलम कैसा लगे, स्टार लाइक, और चारों तरफ से किससे सराउंडेड हो जाए, फ्लोएम से, ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम, ऐसे स्टील को कहेंगे एक्टिनो स्टील, ठीक है। एक्टिनो स्टील पाया जाता है लाइकोपोडियम सीराइटम, लाइकोपोडियम सीराइटम। अगला आते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील क्या होता है, मिक्स्ड प्रोटो स्टील में यह होगा कि जाइलम जो है पैच में पाए जाएंगे, जाइलम किसमें पाए जाएंगे, पैच में पाएंगे,
और जाइलम जो है वो सराउंडेड होगा, जो पैच पाए जाते हैं वो सराउंडेड किससे होंगे, फ्लोएम से। जाइलम पाया जाएगा पैच में और ये सराउंडेड होंगे फ्लोएम से। तो ऐसे स्टील को क्या कहते हैं, मिक्स प्रोटो स्टील। इसका एक एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम स्पीसीज, इन लोग की याद रखिएगा, जिसकी स्पीसीज दिख रहा है उसको याद रखिएगा। तो ये हो गया प्रोटो स्टील के बारे में। अब दूसरा आते हैं साइफ्लो स्टील। साइफ्लो स्टील ठीक है ना, साइफ्लो स्टील वह स्टील होता है जिसमें सेंटर में पिथ पाया जाता है। सेंटर में क्या पाया जाएगा, पिथ, और पिथ के चारों तरफ जाइलम और उसके बाहर फ्लोएम। देखते हैं ये पिथ हो गया, पिथ के चारों तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। ये पार्ट हो गया जाइलम और ये पार्ट हो गया ठीक है। साइफ्लो स्टील वह स्टील होता है जिसमें सेंटर में पिथ पाया जाता है और अंदर की तरफ पिथ के चारों तरफ जाइलम, उसके बाहर फ्लोएम। साइफ्लो स्टील भी दो प्रकार का होता है, साइफ्लो स्टील भी दो प्रकार का, एक होता है इक्टोफ्लोइक साइफ्लो स्टील और एक होता है एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील। एक होगा इक्टोफ्लोइक, दूसरा होगा एम्फीफ्लोइक। इक्टोफ्लोइक क्या होता है, इक्टोफ्लोइक स्टील जो होगा वो पाया जाता आसमुंडा में, एक टेरिडोफाइट है आसमुंडा, उसमें पाया जाएगा। एक्टोफ्लोइक साइफ्लो स्टील किसमें पाया जाएगा, आसमुंडा में ठीक है। इसमें क्या होगा, जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाएगा, जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाएगा, ये आसमुंडा में। एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील जो होता है उसमें जाइलम के दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाएंगे। ये क्वेश्चन ये पूछा आता है एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील, अधिकतर कंपटीशन में पूछा आता है ठीक है। तो याद रखिएगा एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील सेंटर में पिथ हो गया ठीक है, फिर पाया गया फ्लोएम, फिर जाइलम की पट्टी होगी और बाहर साइड में पुनः फ्लोएम पाया जाएगा। यहां फ्लोएम हो गया, बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया और बीच में क्या हो गया, जाइलम। तो इस प्रकार के स्टील को क्या कहेंगे, एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील। एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील जो होता है वो पाया जाता है मार्सिलिया में, एक्वाटिक प्लांट मार्सिलिया में, एक्वाटिक टर्डोफाइट किसमें, मार्सिलिया में, मार्सिलिया में पाया जाएगा एम्फीफ्लोइक साइफ्लो स्टील ठीक है। अब चलिए साइफ्लो स्टील के बाद जो अगला स्टील है सोलिनो स्टील, उसको देखते हैं। सोलिनो स्टील जो होता है वो डिराइव किया गया है साइफ्लो स्टील से। सोलिनो स्टील किससे डिराइव किया गया है, साइफ्लो स्टील से। देखते हैं सोलिनो स्टील ठीक है, ये किससे डिराइव किया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम साइफ्लो स्टील। और इस स्टील की खासियत क्या होती है, इसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लीफ ट्रेस और लीफ गैप पाए जाते हैं। सिंगल एक लीफ गैप और एक लीफ ट्रेस पाया जाएगा, सिंगल लीफ गैप और सिंगल लीफ ट्रेस पाए जाएंगे, सिंगल लीफ ट्रेस सिंगल लीफ गैप पाए जाते हैं।
ठीक है, क्या होता है लीफ ट्रेस, क्या होता है लीफ गैप, देखते हैं लीफ ट्रेस क्या है। ये है लीफ ट्रेस और ये है लीफ गैप। जो वैस्कुलर सप्लाई होती है स्टेम की, वैस्कुलर सप्लाई जो लीफ के बेस की तरफ होती है उसे कहते हैं लीफ ट्रेस। ठीक है, जो स्टेम की वैस्कुलर सप्लाई लीफ के बेस की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस। ठीक है, और वैस्कुलर सप्लाई के बाद, वैस्कुलर सप्लाई के बाद जो गैप का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, लीफ गैप। ठीक है, ये समझ में आ गया लीफ ट्रेस लीफ गैप। तो सोलेनोस्टील डिराइव किया गया साइफनोस्टील से, इसमें सिंगल लीफ ट्रेस और सिंगल लीफ गैप पाया जाता है। इसको देख लेते हैं, ज़ाइलम हो गया, सराउंडेड हो गया फ्लोएम से, ये ज़ाइलम और ये हो गया, और यहीं पे ये क्या हो गया लीफ ट्रेस, और ये जो पार्ट है वो कहलाएगा लीफ गैप। ठीक है, तो सोलेनोस्टील जो होता है वो पाया किस पे जाता है, इसका एग्जांपल किस में है, इसमें देखते हैं एडियंटम। एडियंटम को हम कहते हैं वॉकिंग फर्न, क्या कहते हैं वॉकिंग फर्न, जो आगे जो फर्न बताएंगे वहां बताएंगे। ठीक है, सोलेनोस्टील किस पाया जाएगा, एडियंटम, एग्जाम्पल याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लीफ सिंगल लीफ ट्रेस सिंगल लीफ गैप पाया जाएगा। ठीक, अगला स्टील आते हैं, डिक्टियोस्टील, क्या है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील वह स्टील होता है जिसमें एक से ज्यादा लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। डिक्टियोस्टील वह स्टील होगा जिसमें एक से ज्यादा लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। देखते हैं, एक से ज्यादा लीफ गैप गैप और लीफ ट्रेस में पाए जाते हैं। ये हो गया डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील में जो ये वैस्कुलर सप्लाई है, डिक्टियोस्टील में ये अंदर की तरफ क्या है जाइलम और बाहर की तरफ क्या है फ्लोएम। तो यहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई जो होती है ढेर सारे पैचेज में विभक्त हो जाती है, और ये प्रत्येक पैच जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरिस्टील। प्रत्येक पैच क्या कहलाते हैं मेरिस्टील, और मेरिस्टील किसका बना हुआ है जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, तो पूछा जाता है मेरिस्टील का फॉर्मेशन किस स्टील में होता है, डिक्टियोस्टील में। मेरिस्टील का फॉर्मेशन किस स्टील में होता है, डिक्टियोस्टील में। ठीक है, मेरिस्टील किससे बने होते हैं जाइलम और फ्लोएम से, और डिक्टियोस्टील जो होता है पाया किस में जाता है ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है ना, अगला आते हैं पॉलीस्टील। पॉलीस्टील क्या होता है, पॉलीस्टील जब एक से ज्यादा प्रोटोस्टील पाया जाए, जब किसी वैस्कुलर, जब किसी स्टील में एक से ज्यादा प्रोटोस्टील पाया जाए, जब किसी स्टील में एक से ज्यादा प्रोटोस्टील पाया जाए इसे क्या कहेंगे पॉलीस्टील। और ये किस में पाया जाता है सिलेजिल्ला में,
सिलाजिंदा, ठीक है ना। अगला आते हैं एटैक्टोस्टिस, सिलाजिंदा को संजीवनी बोटी या स्पाइक मास भी कहते हैं, आगे बताएंगे। अगला आता है एटैक्टोस्टिस, ये टेरिडोफाइट में नहीं पाया जाता। ए टैक्टोस्टील पाया किसमें आता है, मोनोकार्ट प्लांट में, ये भी खूब पूछा आता है, बहुत पूछा आता है। ए टैक्टोस्टील किसमें पाया जाएगा, मोनोकार्ट प्लांट में। इसमें क्या होगा कि वैस्कुलर बंडल जो होंगे वो स्कैटर टाइप होंगे, वैस्कुलर बंडल स्कैटर टाइप होंगे, ठीक है ना। तो ए टैक्टोस्टील मोनोकार्ट में पाया था, इसमें वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, स्कैटर होंगे ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है। और ये वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज टाइप होंगे, मतलब इसमें वो कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ए टैक्टो के बाद लास्ट आते हैं यू स्टील, ठीक है। यू स्टील क्या होता है, यू स्टील पाया जाता है डाइकाट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, डाइकाट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। इसमें क्या होगा, वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होंगे, देखिए वैस्कुलर बंडल क्या हो गया, एक रिंग में अरेंज हो गए, और इधर अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, जाइलम, और बाहर वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा फ्लोएम, और बीच में ये वाला पार्ट कहलाएगा कैम्बियम, ठीक। तो यू स्टील डाइकार्ट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, और बीच में क्या पाए जाएंगे, कैम्बियम पाए जाएंगे। ये बीच में क्या होंगे, कैम्बियम, ठीक है, बीच में सब में हो जाएंगे कैम्बियम। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप होते हैं। क्यों ओपन टाइप कहा जाएगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच क्या पाया रहा, कैम्बियम पाया रहा, ये कैसे हो गए ओपन टाइप। तब इस तरह स्टीलर सिस्टम आपको हम आज पूरा बताए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टेरिडोफाइट जो फर्म का डिटेल करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर कमेंट में लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, धन्यवाद।